Chittorgarh is a city and municipality in Rajasthan. It's known for the honey-colored 7th century Chittorgarh fort, a vast hilltop complex with the remains of many temples and monuments. The 15th century 9-storied Vijayasthambh, which is also known as the Tower of Victory, is built from red sandstone and white marbles. It offers city views from the top and it is lit up at night. Nearby is the Rajput-style Fateh Prakash Palace. Fateh Prakash Palace is one of the most popular palaces to visit on the Chittorgarh Fort. The modern-style huge palace was built by Maharana Fateh Singh. Rajasthani style of Fateh Prakash Palace attracts millions of tourists from across the country. At a distance of 8 km from Chittorgarh Railway Station, Fateh Prakash Palace is situated near Rana Kumbha Palace. During the year 1968, a big portion of the palace was converted into a public museum. Chittorgarh Museum है जहाँ पे अंदर तलवारें जो पहले के जो राजा थे उन लोगों के तलवार भाले सब रखे। तो यहाँ का टिकट है सिर्फ 20 rupees। तो अभी हम लोग यहाँ से टिकट लेंगे और अंदर जाके देखेंगे क्या है। In this museum, all the weapons and equipments used in the battlegrounds of the Rajputs are displayed in broad details. There are daggers, knives, shields, axes, helmets, costumes and uniforms of soldiers and few other equipments required during the war. And the timings are 10 a.m. to 4:30 p.m. on all days except Friday and national holidays. तो ऐसी जगह पे historic चीज़ें के बारे में knowledge मिलती है ना, तो मतलब अच्छा लगता है क्योंकि पहले के ज़माने में यही सारी चीज़ें use हुई है। तो जब वो चीज़ों को देखते हैं ना तो पता नहीं कुछ अच्छा ही लगता है कि मतलब कैसे हुआ होगा। और जो शील्ड और वो सब उस पर जो स्कार्स लगे हुए हैं ना, वो देख के तो मतलब एक नेक्स्ट लेवल फीलिंग आती है कि यार मतलब उस टाइम पे क्या हुआ होगा ऐसा। राणा कुंभा पैलेस। राणा कुंभा पैलेस इज द लार्जेस्ट मॉन्यूमेंट इन द चित्तौड़गढ़ फोर्ट एंड हैज़ ग्रैंड हिस्ट्री अटैच्ड टू इट। इट इज़ लोकेटेड नियर द विजय स्तंभ क्लोज टू द एंट्रेंस गेट। द रूइंस ऑफ द वंस फेमस पैलेस हैव द टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा, जनाना महल, दीवाने आम अलॉन्ग विद द स्टेबल फॉर हॉर्सेस। तो अगर आप लोगों ने प्रेम रतन धन पायो देखा होगा तो उस मूवी में एक सॉन्ग था, जब तुम चाहो पास आते हो, वो सब सॉन्ग का शूटिंग यहीं पे हुआ था। पूरा सामने कहाँ पे? सामने सामने अरे वैसे सामने नहीं, वो बैठते ना वो लोग और फिर ऐसे झुकता है वो लिखता है उसके ऊपर। उधर हमारे हमने वो इन्फॉर्मेशन गाइड हायर किया है यहाँ पे, ये हमारा गाइड है। देखो नीचे कुछ गुफा भी दिया हुआ है, ऐसे बहुत सारी गुफा है जो बंद कर दी है अंदर से। मैं एक बार आपको अच्छे से पूरा साइड दिखा दो, देखो जो पूरा चित्तौड़गढ़ दिखता है यहाँ से। तो ये गुफा में एक बार ट्राई करते हैं अपने। तो ये लोग मेरे को पता है यहाँ पे डराने के लिए दो लड़के खड़े ही होंगे आजू बाजू। अच्छा ये लोग ऊपर से आ गए, आ जाओ। ये गुफे का रास्ता यहाँ से निकलता है। ऐसे ऊपर भी चले गए थे। कैसा रहा तेरे को गुफे में जाना था? इसको पहले जाना था पर हम लोग जा नहीं रहे थे। अब कैसा लगा? मन को शांति मिली? चल अब घर जा, चल अब घर जा। ये लोग ये सीढ़ी से ऊपर चढ़ गया है यहाँ पे। सो ये आप लोग देख सकते हो ये सब डबल ट्रिपल स्टोरेड हुआ करते थे पर सब टूट चुके थे। यहाँ से देख सकते हो आप लोग ये सब यहाँ से टूटे हुए। यहाँ देखो सीढ़ी भी है ऊपर और नीचे साइड भी एक गुफा जैसा है पर हम लोग नहीं जा रहे क्योंकि काफी टाइम से बंद है ना ये सब, तो हो सकता है सांप या कुछ हो। वाह भाई, यहाँ से राजा से रानियाँ आने बैठते थे कभी इसको होटल। भाई पहले के डिजाइन करना देखो तो कितना जोरदार बना रहा डिजाइन से। एयर पीछे मत जाना टूटा होगा ना एयर के। ये देखो ये सब पूरा टूट चुका है, यहाँ से ऊपर तक जाने का रास्ता था। जो वहाँ से अगर इतना अच्छा व्यू था तो एकदम ऊपर से तो फिर क्या ही व्यू होगा। यहाँ जा सकते हैं पर जाना नहीं है, समझे? आपके पापा मम्मी ने बोला है कि इसको आपके पापा मम्मी मेरे पापा मम्मी ने कुछ नहीं बोला, आपके पापा मम्मी ने बोला है इसको पानी से और सीनरी से दूर रखना। पानी से चलो भाई। आमी जी तुम्हारा सा यही गुफे की बात मैं कर रहा था। क्या पता ये सब कहाँ निकलता होगा।
ये सब सीक्रेट गुफाज है। तो जो राजा हुआ करते थे वो वहाँ रहते थे ऊपर, तो ये सब रूम से भी पूरे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। और वो आपने देखा था डबल स्टोरेड ट्रिपल स्टोरेड वो भी पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। वो सब ऐसा कहते हैं कि शायद फाइट के दौरान ही डिस्ट्रॉय हुए। अब आगे और देखते हैं, आ जाओ। बस पद्मिनी महल एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर फ्रॉम कुंभा पैलेस, इट इज सिचुएटेड एट द सदर्न पार्ट ऑफ चित्तौड़गढ़ फोर्ट। Padmini Palace was the very legendary palace from where Alauddin Khilji was permitted to obtain a glimpse of Padmini in a mirror placed in the main hall. Padmini Mahal ke andar to ye mahal ki kuch aisi story hai. Padmini jo rani thi wo bahut khoobsurat thi aur Ratan Singh ko Alauddin Khilji ko nahi dena tha Padmini ji ko, to un dono ke beech mein yuddh hone wala tha Alauddin Khilji aur Ratan Singh ke beech mein. To Alauddin Khilji ne bola ki main compromise kar sakta hu agar mere ko Padmini ji ka ek jhalak dikha do. Alauddin Khilji aur jo raja Ratan Singh the wo log yahi khade the aur jo charon taraf yahan pe mirrors hua karte the aur jo rani thi wo wahan se nahakar wo jo steps dikh rahe वहाँ से ऊपर की तरफ भागी और बस वो एक झलक देखी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये मंदिर है महादेव का और पीछे से आप लोग देख सकते हो वाटरफॉल हो रहा है। ट्राई करते हैं वो पीछे साइड जाने का, इतना कोई डेंजरस वाटरफॉल है नहीं, छोटा सा ही वाटरफॉल है। बस वो ऊपर से आ रहा तो लंबा दिख रहा है खाली। तो इस प्यारी सी जगह को यहाँ से अलविदा करते और फिर चित्तौड़गढ़ सीरीज़ आने वाला है, जैसा मैंने बोला था। मतलब चित्तौड़गढ़ में डे वन डे टू डे थ्री आएगा ऐसा मैंने कहा था। अगर देखते हो पाया तो पक्का करेंगे ऐसा। और अभी कल क्या करने वाले वो अभी मैं आप लोगों को नहीं बता रहा, वो आप लोग ब्लॉग के साथ साथ ही देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।